Students, take out your English language book. Today we are going to do subject and predicate. Today we will understand what is subject and what is predicate. ठीक है, उससे पहले एक exercise करेंगे. Let's see what we have to do in this exercise. Underline the names of the people or the animal who are doing the action. अब हमें कुछ sentences दिए गए हैं. इन sentences में उनका नाम underline करना है जो action कर रहे हैं. ठीक है, सो द बॉय किक द बॉल. यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है? बॉय. तो हमने बॉय को अंडरलाइन कर दिया. मीता एट एन एप्पल. यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है? कौन एप्पल खा रहा है? मीता. तो हमने मीता को अंडरलाइन कर दिया. वी लाइक आर टीचर वेरी मच. हु इज डूइंग द एक्शन? कौन टीचर को, किसे टीचर बहुत पसंद है? वी को. सो वी हैव अंडरलाइन वी. द एलिफेंट एट अ बंच ऑफ बनानास. ठीक है, यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है? यहाँ पे किसने बनाना खाया? एलिफेंट ने. तो हमने एलिफेंट को अंडरलाइन कर दिया. माय आंट डांसेस ब्यूटिफुली. नाउ हियर हु इज डूइंग द एक्शन? जो एक्शन कर रहा है उसी का तो नाम हमें अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पे आंट एक्शन कर रही है. आंट को, आंट डांस कर रही है ना, तो हमने आंट को अंडरलाइन कर दिया. ईच सेंटेंस हैज समवन हु डज द एक्शन. Each sentence has someone who does the action. अब हमने sentences पढ़ा था ना. ठीक है, अब हम sentence की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि हर sentence में कोई ना कोई होता है जो action करता है. जैसे अब अगर हम कहें कि he is eating apple, तो यहाँ पे कौन action कर रहा है? He, है ना. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द पर्सन और द एनिमल दैट डज द एक्शन. और जो बाकी का सेंटेंस होता है हमें बताता है कि वो इंसान क्या काम कर रहा है. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आपको ये रीड करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स. अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. अब हमने क्या कहा था कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो एक्शन कर रहा होता है. ठीक है, और उसके बाद का जो सेंटेंस होता है हमें बताता है कि वो इंसान क्या एक्शन कर रहा है. तो यहाँ पे वो समवन कौन है, काम कौन कर रहा है? डॉग. क्या काम कर रहा है? वो बार्क कर रहा है, वो भौंक रहा है स्ट्रेंजर्स पर. ठीक है, सिमिलरली द बॉय किक्ड द बॉल. नाउ यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है? बॉय, है ना. और वो क्या एक्शन कर रहा है? वो बॉल को किक मार रहा है. मीता एट एन एप्पल. यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है? मीता कर रही है. और वो क्या एक्शन कर रही है? वो उसने एप्पल खाया, है ना. अब वी हैव टू रीड दिस पोर्शन. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. ये सारी एक्सरसाइज हमने क्यों करी यहाँ पे हमें पता चलेगा. सो आपको ये रीड करना है थरली. द पर्सन और द एनिमल डूइंग द एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द पर्सन और द एनिमल डूइंग द एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब एक सेंटेंस में जो इंसान एक्शन कर रहा होता है उसे हम कहते क्या हैं? उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर. अब यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है, कौन भौंक रहा है? डॉग भौंक रहा है. तो डॉग क्या हो गया? डॉग हमारा सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अगर अब जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप सब वीडियो देख रहे हो. अब अगर मैं कहूँ दिव्यांशु इज वॉचिंग वीडियो, तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? वीडियो कौन देख रहा है? दिव्यांशु देख रहा है ना. तो दिव्यांशु क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अ सब्जेक्ट यूजुअली comes at the beginning of a sentence. और subject जो होता है usually, मतलब subject
कभी कभी सेंटेंस के बिगनिंग में आता है ना, ज्यादातर सेंटेंस की बिगनिंग में आता है। ठीक, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और जो बाकी का सेंटेंस होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब, और प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है। अब आपने वर्ब तो पढ़ा नहीं होगा अभी, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ, हम लोग आगे जाके ये चैप्टर पढ़ेंगे। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे हम खेल रहे हैं या खाना खा रहे हैं, ईटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ये क्या होता है, ये वर्ब होता है। ठीक है, अब हम प्रेडिकेट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो डॉग हो गया था, और जो बाकी का सेंटेंस है वो हमें क्या बता रहा है कि ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की मीनिंग पढ़ेंगे। फाइन, टुमारो वील डू दी एक्सरसाइज ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।